Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासत की डेफिनेशन मुझे तो समझ नहीं आई, लेकिन शायद आप लोगों को समझ आती हो। सियासत में क्या हो रहा है, हमारे अंदर जो हमारे कवानीन के अंदर जो फ्लॉज हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं जनाब के मैं आऊँगा, फिर कहते हैं मैं नहीं आऊँगा। इसका मंतक जो है वो मेरी समझ से बाहर है, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है मुझे कि जो फ्लॉज हैं, जो कवानीन के अंदर फ्लॉज है, जिनको कवानीन, वो कवानीन जो पार्लियामेंटेरियन जो सियासतदान ख़ुद बनाते हैं उनको सामने रख के बनाते हैं, अपने लिए सामने रख के बनाते हैं ताकि उनको कल कोई प्रॉब्लम हो तो उसको एक्सप्लॉयट कर सकें। तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ हो रही है, उसको एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम उसको वॉयलेट भी नहीं किया जा रहा। उसको ये कहा जाए कि उसके जनाब बिल्कुल ही उस चीज़ से हट गए हैं और कानून की पासदारी नहीं कर रहे तो वो गलत होगा, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम पीछे भी हट रहे हैं, फ्लॉज जो है उनको एक्सप्लॉयट भी किया जा रहा है और इसी तरह काम चलता रहेगा। ऑन द अदर हैंड आपने देखा जनाब कि बड़ा कोल्ड शोल्डर दिया गया टेलर को। वो पाकिस्तान आए और जिस तरीके से उनको रिसीव किया गया वो एक दैट वाज अ कोल्ड शोल्डर, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स वो अफ़गानिस्तान में दे के आए थे वो भी सबके सामने हैं, और फिर इंडिया में जाके जो स्टेटमेंट्स उन्होंने दी वो भी सबके सामने हैं। सो डू मोर वाली बात जो है अब नो मोर पे आ गई है। इसकी वजूहात बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि पहले सब चीज़ें सुनी जाती थी, मानी जाती थी और आँखें बंद करके की जाती थी, लेकिन अभी सिचुएशन डिफरेंट है। उस सिचुएशन को हम अपने लिए कैसे अच्छा बेहतर बना सकते हैं वो मैं चाहूँगा कि आप सजेशंस दें, क्योंकि ट्रंप ने जो पैगामात भेजे हैं या जो कुछ कहा था वो बिल्कुल क्लियर है, उससे वो पीछे नहीं हट रहे। और ये जो खदशात हैं और ये जो बातें हो रही हैं कि जनाब ड्रोन अटैक्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर भी किए जा सकते हैं, उस पर भी एक बहुत बड़ी एक इशू है जिसको कोलेट्रल डैमेज की सूरत में भी देखा जा सकता है। उसके अंदर और भी इश्यूज हैं, और भी प्रॉब्लम्स हैं, और वो किस तरीके से इनको हैंडल किया जा सकता है या किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इस पर भी मैं चाहूँगा कि आपकी राय आए। सो लाइव कॉल्स में चाहूँगा कि आप करें, बराह रास्त कॉल्स करें, और नंबर स्क्रीन पर आपके सामने है कि मैं चाहूँगा ये कि जितनी ज़्यादा कॉल्स आप करें उतना बेहतर है, और सवालात ज़रा थोड़े से मुख्तसर रखिएगा क्योंकि मैं जितने चाहूँगा ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं अकोमोडेट कर सकूँ। पैनल में मेरे साथ मौजूद है जनाब सेनेटर धामरा साहब, आजिज धामरा, मैं गलत प्रोनाउंस कर चुका हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। और पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है जी, और डॉक्टर फिरदौस आशिक इवान साहब हैं मेरे साथ। आप इन लोगों से भी सवालात कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। और इमरान खान साहब एक बड़ा हंगामी दौरा कर रहे हैं जनाब, और कराची में थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लोगों को मिलते रहे, बिज़नेस कम्युनिटी को मिलते रहे। खैर देर आए दुरुस्त आए, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम 8.5 लाख लोगों ने वोट दिया था कराची में, और उन्होंने बड़ी एक आस बांधी थी इमरान खान साहब से, वो शायद पूरी नहीं कर सके इमरान खान साहब। और एक मरतबा फिर कराची में हैं वो, और चाहते ही हैं कि कराची की सूरत हाल बेहतर हो और वहाँ पे पीटीआई अपनी ग्रिप बना सके। क्या अपनी ग्रिप बना सके या नहीं, इस पे भी मैं चाहूँगा कि आप अपने राय दीजिए मुझे। सेनेटर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर साहब आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं? ये आवाज़ डिस्टॉर्टेड है क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही हूँ और रास्ते में हूँ, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। कहाँ जा रही हैं आप? मैं इस्लामाबाद आ रही हूँ। कहाँ जा रही है? इस्लामाबाद आ रही हूँ। अच्छा, आ रही हूँ और रास्ते में हूँ। तेरा आवाज स्टूडियो में ऊंची कर देना यार। डॉक्टर साहब जी, जी अमेरिकन्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं, अपनी जो उनकी सोच है उसमें बिल्कुल क्लियर है और ट्रंप की पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं। एंड एट द वेरी सेम टाइम पाकिस्तान जो है वो भी अपनी जगह बिल्कुल डटा हुआ है और वो भी अपनी पॉलिसी में बिल्कुल फर्म नज़र आता है। हमारी जो फोर्सेस हैं
वो अगर अमेरिकन्स आउटसोर्स कर दें, इंडिया को ये काम दे दें कि जनाब आप लोग जो हैं इंडियन फोर्सेस जो हैं या इंडियंस जो हैं वो जो हमारे मुल्क के अंदर किसी किस्म की स्ट्राइक्स लिमिटेड करें, तो उस पर तो एक जंग छिड़ सकती है। लेकिन अगर अमेरिकन्स ख़ुद हमले करते हैं या ड्रोन से हमले करते हैं तो वो एक इशू है, उसको हैंडल करना नामुमकिन तो नहीं मैं कहूँगा लेकिन मुश्किल ज़रूर होगा। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपके पास कोई राय है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राणा साहब, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त जो इशू है वो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप क्राइसिस एट गवर्नमेंट लेवल, क्योंकि अमेरिकन लीडरशिप के साथ जिसको निगोशिएट करना है, जिसको ओवरऑल पाकिस्तान की नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से सेंसिटाइज करना है, वो आपकी मिलिट्री लीडरशिप और एस्टेब्लिशमेंट को उनके साथ एंगेज है। लेकिन एक पॉलिटिकल लीडरशिप जिसमें पॉलिटिकल ग्राउंड पे आपका पूरी कौम का और इस मुल्क का मुकदमा लड़ना है, वो अपने मुकदमों में उलझी हुई है और वो अपने केस को डिफेंड कर रही है और कौम का मुकदमा और इस मुल्क का मफाद इस वक्त उसकी प्रायोरिटीज में नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जो लीडरशिप इस वक्त फ्रंट लाइन पे खेल रही है वो खुद एक कठपुतली लीडरशिप है, उनके पास ना उनकी विजन है ना उनकी हुकूमत। हल क्या है? फिर हल क्या है इसका डॉक्टर साहब? हल बताइए इसका। हल ये है कि आप कॉम्पिटेंट एलिजिबल वो लोग जिनको फॉरेन पॉलिसी का तजर्बा है, जिनका एक्सपोजर है। आपकी नजर में डॉक्टर साहब किन को फॉरेन पॉलिसी का तजर्बा है? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि जो स्टेक होल्डर है, आजम मोहम्मद आसिफ को मैं स्टेक होल्डर नहीं समझती। जो पार्टी रहा जिसने हमेशा ख्वाजे पाकिस्तान को मिलान किया, पोलिटिसाइज किया और हर तरीके से उनको कोई भी मौका जाने नहीं दिया डिग्रेड करने का, तो वो शख्स जो है वो कैसे मुकदमा लड़ सकता है उस अदारे के साथ खड़े होके जिसके लिए यूनिटी चाहिए और सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो इस वक्त की सबसे आम जरूरत है। तो मैं इन हालात में कौम को आज जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है कि हमें देखना ये है कि अगर वी आर इन डबल जेपर्डी, हम एक तो अपने घर के अंदर जो पॉलिटिकल नलायकियां और कुताहियां उसमें उलझे हुए हैं, दूसरी तरफ हम रीजनल चैलेंजेस जो हमारे नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब व्हाट इज द सॉल्यूशन? आई वांट टू हियर द सॉल्यूशन जी। नेगोशिएशन द सॉल्यूशन इज द एंगेजमेंट स्ट्रेटजी। सॉल्यूशन इज के आपने कन्फ्रंटेशन से निकल के जो माइंडसेट इस वक्त अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का प्रो इंडियन और इंडिया ने अपना जो मार्केट किया पॉइंट ऑफ व्यू एंटी पाकिस्तान और पाकिस्तान के नेशनल नेबरिंग कंट्रीज है उनको ऑन बोर्ड ले और एक अग्रेसिव फॉरेन डिप्लोमेसी जो है इस वक्त आपको चाहिए। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे आपको एक ठीक है, मैं ठीक है, मैं मेरी आपकी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो रही है डॉक्टर साहबा, मैं आपका पॉइंट समझ गया, आप बेसिकली इंगेज करना चाहते हैं। रज़ा हयात हराज साहब भी मेरे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। रज़ा हयात हराज साहब, डू यू हैव एनी सोल्यूशन इन योर माइंड कि इस वक्त जो रिजिड और जो फर्म स्टैंस लिया हुआ है अमेरिकन्स ने टूवर्ड्स पाकिस्तान, उसका कोई हल आपकी नज़र में है? आई डोंट वांट टू गो इनटू द नीटी-ग्रीटीज, लेकिन हल सॉल्यूशन क्या है? लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन जी। देखिए राणा साहब, ये जो आई बी वेरी ब्रीफ और मैं इतनी लंबी फोन पे बात ना कर पाऊंगा आपके साथ, लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश जरूर करूंगा कि ये स्टैंड बहुत पहले ले लेना चाहिए था पाकिस्तान को एज ए सॉवरन इंडिपेंडेंट स्टेट सर। अच्छा, जो अमेरिकन एज ए नेशन है अमेरिका, उनको तो दे लिव इन ओब्लिवियन, उनको तो ये अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान कहाँ है और कहाँ नहीं, काफी अमेरिकन को शायद इसका पता भी नहीं है। उसके बाद जो इनके जितने भी टारगेटेड इनके मैसेज और इनके पैगामात
रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया पे, उन्होंने तो पाकिस्तान की सेक्रीफाइस को आज दिन तक एक्सेप्ट ही नहीं किया। ये जो जंग हम लड़ रहे हैं वॉर ऑन टेरर, ये हमारे गले में अमेरिकन ने डाली, और ये जब भी आते हैं हमारे टू मोर का कह के जाते हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि ये पहली दफा ये बहुत अच्छा हुआ इनके साथ कि इनको बता दिया गया है। और इनको बता ये भी देना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम का जो सेंटिमेंट जो है वो आपके साथ कितना अच्छा नहीं है। पाकिस्तान कौम की सेंटिमेंट अमेरिकन प्रो अमेरिकन नहीं है। ये मुबशर राना मुबशर साहब आप भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, और हम लोग इनकी खातिर अपने okay, well, ये तो एक पॉइंट हो गया हिराज साहब कि आप जो स्टैंस लिया हुआ है, अब जो लिया हुआ है पाकिस्तान ने, उसी स्टैंस को पहले लेना चाहिए था, लेकिन हुकूमत तो आपकी है, हुकूमत तो आप लोग कर रहे हैं पिछले 4.5 साल से, तो उस वक्त से फिर ये स्टैंस लिया क्यों नहीं गया जी? देखिए अब मैं इसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो आपकी बात है उसमें तो बहुत सारा वजन है, और ये ऐसे काम बहुत सारे काम बहुत पहले कर लेने चाहिए थे, क्यों नहीं किए, ये अब इसका जवाब मैं राणा साहब आपको क्या दे सकता हूँ। ओके ठीक है, सो मेरे ख्याल में सेनेटर साहब से पूछे, सेनेटर साहब आपके पास कोई राय? मुझे इजाजत है इस बात पे? नहीं आपको कोई इजाजत नहीं है, आप बिल्कुल यहीं पर रहे, आपको कोई इजाजत नहीं दी जा रही, आप रहे साहब। राणा साहब मैं आप लाइव शो कर रहे हैं और कोई इजाजत नहीं है आपको, ठीक है? और सेनेटर साहब आप बताइए कोई आपके नज़दीक हल है इस चीज़ का, अदर देन एक तो डॉक्टर साहबा कह रही है, फिर दो साशिक वान साहबा कह रही है जनाब की इंगेजमेंट वाली पॉलिसी होनी चाहिए, रजा हिराज साहब कह रहे हैं कि ये पहले ये स्टांस ले लेना चाहिए था, आपके नज़दीक क्या हल है? बिस्मिल्लाह साहब, देखें शुरू से ही जो हम क्रिटिसाइज करते थे गवर्नमेंट को कि एक फुल फ्लेज कुल वक्ती वज़ीर ख़ारजा की ज़रूरत है, क्योंकि एडवाइज़र थे वज़ारत ख़ारजा के सरताज अजीज़ साहब, बड़े काबिल एहतराम हैं, उसी महकमे के अंदर फिर एक स्पेशल असिस्टेंट फातमी साहब भी थे। अब जो फॉरेन ऑफिस है एट ए टाइम स्पेशल असिस्टेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर और एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर साहब, इन दोनों के बीच एक बड़ी खलीज होती थी कि जो फाइल जाती थी उसको किस तरह जल्दी पुटअप करना है, और बाकी फॉरेन पॉलिसी पे जो तकड़ा जो इनको रिस्पांस करना था, ये सारी चीज़ें ऐसी थी कि हुकूमत ने 4.5 साल के बाद अब उनको ख्याल आया कि एक वजीर खारजा भी दें। आज उन्होंने स्टेटमेंट दिए, वो भी चेयरमैन सेनेट की कॉल पर उन्होंने स्टेटमेंट दिया, खुद से पार्लियामेंट को उन्होंने एतमाद में लेने की ज़रूरत महसूस नहीं की, जो एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है PMLN का, और उसकी फेलियर भी ये है कि वो इन तमाम खासतौर पर इंटरनेशनल मामलात में वो पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लेते। अब जहाँ पर हुकूमत साइड का खुद मौकफ है कि ये होना चाहिए था अब नहीं हुए, वो सवाल किससे करें, जारी है हम हुकूमत से करेंगे। देखिए डिप्लोमेसी तमाम ममालिक के होती है, बिटवीन तमाम मुल्कों के दरमियान एक डिप्लोमेसी का कॉन्सेप्ट होता है, मगर उसकी भी एक हद होती है कि जो डिग्निटी है हमारी, जो खुद मुख्तारी है हमारी, जो रेस्पेक्ट है हमारी बींग रियासत और कौम की, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाए, और ये सारे मामलों में हुकूमत जो है वो फेल होती नजर आ रही थी। ये जो जंग मुसलत की गई थी, हमने जंग लड़ी है, और ट्रंप आके हमें ये कहे कि जनाब आप सही काम नहीं करते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग, आज वजीर खारजा साहब ने कहा है कि हमने उनको कहा है कि आप हमें खुद से दें, इंटेलिजेंस शेयरिंग के बाद हम खुद एक्शन लेंगे। रियासत वैसे ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कह चुके हैं, पहले जो भी डेलीगेशंस मिलते रहे जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, वो भी कहते रहे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कहते रहे कि जनाब आप हमें बताएं कि अगर आपकी नज़र में कोई यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की सॉइल पे, तो हम जॉइंटली ऑपरेशन कर लेते हैं, या आप हमें बता दें हम ऑपरेशन कर लेते हैं। आज जो स्टेटमेंट वजीर खारजा ने दी है सेनेट के अंदर, इस पर मजीद 2 दिन के बाद डिबेट होगी, अब 2 दिन के बाद इस पर डिबेट होगी इंशाल्लाह फ्राइडे या थर्सडे को, उसमें मजीद चीजें सामने आएंगी कि मतलब वो क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने क्या किया, डी मोर वही स्टेटमेंट साहब का फिर उन्होंने रिपीट की है, और हमारा फिर मौकफ क्या है। आज जो स्टेटमेंट दी कम से कम हम थोड़ा मुतमिन है कि जिस अंदाज में वो कह रहे थे कि हमने बातें की हैं उनसे, वो बिल्कुल होनी चाहिए। बट डू यू थिंक दिस इज द राइट वे टू हैंडल द सिचुएशन, या हमारी कोई डिप्लोमेटिक फेलियर है? एक कॉल ले लूं मैं, फिर आपकी तरफ आता हूं। शकील साहब है मेरे साथ कॉल पे जी। जी शकील साहब जी, मेरा सवाल ये है जी, तीनों मेहमान जो है हमारे जी, और ये उस वक्त के हुकूमतों में भी रहे जी, आखिर क्या वजूहात थी कि हमने अमरीका की इस जंग को ज्वाइन किया और हम उससे जान छुड़ाना चाहते हैं?
अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा सवाल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, बहुत अच्छा सवाल। और इससे हम बरील जिमा जनरल मुशरफ को नहीं करार दे सकते। जनरल मुशरफ ने क्या किया इसमें? ये सारी जो जंग थी, हाँ, उन्होंने एक कॉल पे वो ढेर हो गए थे अमेरिका से, उस तरीके से वो बात नहीं कर सके। अच्छा। जिस तरह बात कर देनी चाहिए थी, और बाद में आने वाली हुकूमतें क्या करना चाहिए था? अगर जनरल मुशरफ ने कोई बात गलत की थी तो उसके बाद आपकी हुकूमत थी, आप लोगों ने उसको अंडू कर देना, ट्रंप के खत्म कर देना। देखें, एक जंग मुसलत की गई, उसमें जारी आने वाली हुकूमतें जो है उनका शिकार होती रही, और जो हम कह रहे थे कि ढेर होनी चाहिए एक हुकूमत के बाद, अमेरिका ट्रंप के बाद जो उन्होंने डीमोर वाली बात शुरू की और जिस तरह आंखें दिखाने वाली बात शुरू की है उनको, उसके बाद जिम्मेदारी थी मौजूदा हुकूमत पे कि वो ट्रंप को ये कहें, ट्रंप इंतजामिया को, कि हम इस जंग में हमने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी है, 70,000 और 80,000 लोगों की फोर्सेस की कुर्बानी। शकील साहब का, शकील साहब को क्वेश्चन डिफरेंट है। शकील साहब ये कह रहे हैं जनाब के क्या वजूहत थी कि जनाब इसको आप लोग कॉम्प्रोमाइज करते रहे। रजा साहब, आप इसके बारे में कोई जवाब दे सकेंगे? इसके बारे में जनाब दोबारा फरमाइए। हमारे एक कॉलर है, उन्होंने हमें एक सवाल किया है, शकील साहब है कॉलर, उन्होंने सवाल किया है कि जनाब सबकी हुकूमतें नहीं, सब आप सबको एड्रेस किया, तीनों पॉलिटिशियंस को, तीनों सियासतदानों को, तो क्या ऐसी वजूहत थी कि जनाब ये सारे काम पहले नहीं किए गए? ये देखिए, ऐसे सवाल के जवाब मैंने कभी माजी में भी नहीं दिए, ना देना चाहूंगा। ठीक है, ऐसी चीज होती है, कुछ चीजें अमन उल्लास के लिए होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि समझनी चाहिए, जो लोग स्टेट के स्टेट को चला रहे होते हैं, इनको पता होगा कि उस वक्त जो है जनरल मुशर्रफ साहब आज हम बैठे उंगलियां खड़ी कर रहे हैं, मैं तो उस वक्त उनकी काबीना में था, हालात ये नहीं थे राणा साहब जो ये आज फरमा रहे हैं। जी, आज जो ये जिस और जो ये आज ये बहुत सारे मामला जो हम जनरल मुशर्रफ साहब ने वो उंगली उठा देते हैं, वो भी नहीं उठा, उस वक्त के जो हालात थे गलत थे, सही थे, आज पाकिस्तान उसका हिस्सा है। इसी तरह से जब जैसे कल एक पाक अफगान वॉर हुई थी ना जी, रशिया के साथ जी, कोल्ड वॉर। राणा साहब अब वो बताइए, आज वो लोग बात करते हैं जी वो गलत थी, जनरल ज़िया ने क्यों किया, अब उस वक्त के फैसले हो गए, पाकिस्तान उसमें गया, लोगों को फायदा हुआ, नुकसान हुआ, पाकिस्तान ने क्या बेनिफिट लिया, क्या पाकिस्तान ने पाकिस्तान की आवाम के लिए किया, क्या लोगों की मजबूरियां थी। राणा साहब आप समझते हैं कि मैं उनकी जगह पर जवाब दे सकता हूँ? बात सही है आपकी कि हर जो बात जो आपके कहने का मकसद ये है रजा साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपकी बात को लेके आगे चलूंगा, आप कहना ये चाह रहे हैं कि हर वक्त का एक डिफरेंट इन्वायरमेंट होती है, डिफरेंट सिचुएशन होती है, और उसको अकॉर्डिंगली टैकल करने की कोशिश की जाती है, वो बाद में हो सकता है गलत नजर आते हो वो सारे फैसले, लेकिन उस वक्त के हिसाब के उस वक्त की मुताबिकत के हिसाब से ठीक होते हैं फैसले। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। मैं छोटी सी बात इसमें अगर ऐड कर दूं जी प्लीज, कि उस वक्त तो ये हालात थे कि ये थ्रेट किया गया था पाकिस्तान को कि इधर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस, और विल पुट हम आपको पुराने डार्क एजेस और स्टोन एजेस में पहुंचा देंगे। अच्छा जी, अब ये कह देना, देखे ना राणा साहब, ये कह देना, ये बहुत आसान बातें हैं, जिन लोगों ने कभी पाकिस्तान के पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा नहीं लिया होता, मेजॉरिटी वो लोग पाकिस्तान के ड्राइंग रूम्स में बैठ के पाकिस्तान के फ्यूचर को डिस्कस करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनका राइट नहीं है, वो राइट रखते हैं, शऊर रखते हैं, उनको करनी चाहिए, लेकिन मुझे ज्यादा खुशी होगी कि ऐसे पढ़े लिखे लोग जो इस बात में ना शऊर रखते हैं वो बाहर भी निकले, लोगों को मोटिवेट भी करें, अपना एक दिमाग भी बनाए, अच्छे बुरे हालात को समझे भी सही, और फिर लोगों की मजबूरियां भी समझे। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। फिरदौस आशिकवान साहिबा, शकील साहब कॉलर, बड़ा अच्छा सवाल, उस वक्त सारे आप लोग हुकूमत में रहे, किसी न किसी दौर में आप लोगों ने ये फैसले उस वक्त की इन्वायरमेंट के, रजा हिराज साहब ने बड़ा इसको एलेबरेट कर दिया, बड़ी चीज को मेरे ख्याल में सामने रखती है, खोल के रखती है, एंड आई एम पर्सनली आई एम कन्विंस्ड विद हिज आंसर, लेकिन आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? पहली बात तो ये है कि जो आपकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पॉलिटिक्स और आपके जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उनको भी डिफाइन करने के हवाले से ये तमाम अपने मुल्क की हद तक अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जब आप नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी
डॉक्टर साहब आपकी, आवाज जो है ना ब्रेक हो रही है, प्रॉब्ली यू आर ट्रैवलिंग, दैट्स व्हाई। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ यहाँ पे, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ, तो तीनों मेहमान मेरे साथ होंगे और आपकी कॉल्स जो है, कोई भी सवालात हो जरूर कीजिएगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। एक कॉलर मेरे साथ मौजूद है जनाब, अमीना, ही है ना जी? जी जी अमीना जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। राना साहब आप कहाँ गायब थे इतने दिनों से? मैं जनाब यहीं पे था, मेरे कहाँ जाना है जी, कुछ अरसे के लिए अपना पाँव फ्रैक्चर करा के बैठ गया था। सो सॉरी। अच्छा बात ये है राना साहब, मैं तो इन पॉलिटिशियंस की शक्लें देख देख के आप सोच नहीं सकते कि मुझे कितना नौजिया होने लगता है। नहीं अच्छा। मैं सही कह रही हूँ, मैं एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ हूँ, रिटायर्ड मेरे हस्बैंड हैं, इज अ रिटायर्ड कर्नल, बेटा मेरा फौजी, भाई मेरे फौजी। मैं कहती हूँ हमारे बेचारे कहाँ जा जा के लड़ रहे हैं, मर रहे हैं बेचारे, शहीद हो रहे हैं, और ये इनके इतने बड़े बड़े छह चार के मुंह निकाल के ये लोग टीवी पे आते हैं, हर चैनल के ऊपर इन लोगों की करप्शन सुन सुन के आप सोच नहीं सकते। मेरा रोने को दिल कर रहा है कि हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है, किस साइड पे जा रहा है, क्या होगा हम लोगों का। आप राणा साहब, आप नहीं, आप, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं किस उससे गुजरती हूँ रोजाना, सारा दिन सारी रात जब मैं अपने मुल्क को इस तरह देखती हूँ। मेरे फादर भी आर्मी में थे, वो फौत हो गए। अच्छा। ये इसी तरह लड़ लड़ के सरहदों पे जा जा के, मेरा बेटा ईद पे छुट्टियों पे नहीं आना, हर छुट्टी पे कोई नहीं, पीछे चाहे माँ बीमार है, बाप बीमार है, कुछ हो रहा है, ये लोग आके रोज इनकी करप्शन सुन सुन के हम लोग कहाँ जाए, हमारा मुल्क का क्या बनेगा, मुझे ये समझ, ये क्यों नहीं दहशतगर्द इन लोगों के ऊपर क्यों नहीं बम फेंकते, इन लोगों को क्यों नहीं एक दफा क्यों नहीं इन लोगों को खत्म कर देते, कम अज कम हमारा मुल्क इन लोगों से पाक हो जाए, कोई अच्छे लोग आए, कोई लीडर्स आए, कोई हमें लीड करें। आपका सवाल जो है, आपकी जो मैं दिल से कदर करता हूँ आपके जज्बात की, मैं पूछता हूँ सबके सामने, रजा साहब से पूछ देता हूँ, रजा साहब आप जवाब दे दें जी। रजा साहब ये एक दुखी माँ भी है और एक दुखी बीवी भी है, और इनको दुख होता है जो ये सारा कुछ देखती है सारा दिन, और इनके अपने हस्बैंड भी फौत हो चुके हैं आर्मी में थे, और इनके बेटा जो है वो भी सरहदों पे हमारे लिए लड़ रहा है। राणा साहब इनकी बीबी की जो बात थी ना जी, ये कड़वी जरूर है जी, लेकिन ये बिल्कुल ठीक बात की है। अच्छा। जिस खानदान के साथ ऐसी कैफियत गुजरी हो, जिसके अपने बच्चे या जिनके खानदान सारा इस सरहदों पर लड़ रहा हो ना, और उनकी आगे कुर्बानी को कोई रिकग्नाइज ना कर रहा हो, अप्रिशिएट ना करो, तो उनको पूरा हक बनता है ऐसी माओ को कि वो ऐसी बातें जरूर करें, शायद इस कौम का मुकद्दर किसी को गैरत आ जाए और वो जाग जाए। करप्शन तो है ना, लेकिन नाना साहब करप्शन तो है, पर करप्ट कौन लोग हैं? लेकिन चूंकि बीबी मासूम है, इनको सिस्टम का नहीं पता, फौजियों के जो अहले खाना होते हैं वो क्या उनको नहीं समझ होती कि पाकिस्तान में गवर्नेंस कैसे है और सिस्टम कैसे चल रहे हैं। तो फिर ये देखे ना, इसको ठीक भी तो आप लोगों ने करना ना, क्योंकि इन्होंने वो तो अपना अपना हस्बैंड भी गवा बैठी, अपना बेटा भी सरहद पे बैठा, बेटा उन्होंने सब वो, कुछ वो करके क्यों जी, ये नफरत मैं कहूँ ना कि मेरे पे है तो मेरे पे नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है, मतलब ये नफरत उन लोगों की बोला है जिन लोगों ने बेगैरती की, जो खातून है आमना बीबी जो कर सकती है, उन्होंने उनके हस्बैंड भी सारी जिंदगी करते रहे, उनका बेटा कर रहा है, वो खुद बेचारी मतलब कि अपना बेटा भी सरहदों पे लड़वा रही है, वो वहाँ पे जाने देते हैं, यहाँ पे वो बेचारी कहती है सारा दिन की करप्शन ही नहीं खत्म होती, सियासतदानों की सुन सुन के टीवी पे वो थक गई है। सो शी इज एब्सोल्युटली राइट, और वो यू नो डिसहार्ट हुई है, और वो अफसरदा है, वो
तो नहीं कर रहा, लेकिन उन बिचारी इन बिचारी का कोई कोई आस भी तो मिलनी चाहिए ना, उनको तो आस ही कोई नहीं मिल रही। क्यों जी रजा साहब तो सिर्फ सहमति कर रहे हैं, जवाब एज अ पॉलिटिशियन उनको देना चाहिए मेरे ख्याल में, वो हुकूमत में, वो भी हुकूमत में है। देखिए एक तो जो फीलिंग आई सामने जी, उसमें कोई शक नहीं है कि मसल अफवाज के जवानों की, वो चाहे फौज के हों चाहे सिविल एजेंसीज के हों पुलिस के हों, इस सारी जंग में वो शिकार जरूर रहे हैं। इस मुल्क में अभी बीबी की एक फीलिंग थी कि सियासतदानों के ऊपर बम गिर जाए और ये ख़त्म हो जाए, जारी इस मुल्क को कायम किया था सियासतदानों ने। अवाम में जब शऊर आएगा, जब वो वोट का सही इस्तेमाल करेंगे, ये सबसे ज्यादा बेहतर बात होगी कि आप इस तरह अगर बददुआएं दें, आपकी फीलिंग है बिल्कुल देती रही, मगर 70 साल पाकिस्तान की तारीख में सिविलियन की भी गवर्नमेंट रही है, सियासतदानों की भी गवर्नमेंट रही है और सियासतदानों के बगैर भी गवर्नमेंट रही, टेक ओवर भी होते रहे इस मुल्क में। बम हमारे ऊपर तो गिरे हैं, हम विक्टिम हैं एज अ पीपल्स पार्टी, हमने लीडरशिप भी गंवाई है और इस मुल्क के खातिर गंवाई है। गड़ी खुदाबख्श भुट्टो के अंदर आज भी वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो हैं जिन्होंने एटम बम दिया इस मुल्क को, जिन्होंने इस मुल्क को स्टेबल किया, जिन्होंने इस मुल्क के इदारों को स्ट्रेंथन किया। ये सारे मामला सियासतदानों के खाते में आते हैं। बहरहाल एक फीलिंग है उनकी, उनकी कंट्रीब्यूशन है अगर इस मुल्क के हवाले से, तो वो बात बिल्कुल अगर नहीं है, जी, डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन है। मैं राणा साहब में क्योंकि इख्तलाफ का भी मुझे हक है कि सिर्फ मौरूद इल्जाम सियासतदानों को, करप्शन सोसाइटी का इशू है, अगर सियासतदान करे तो उसको ज्यादा सजा मिलनी चाहिए क्योंकि वो ऑफिस बैरियर होते हैं और ऑफिस यूज करते हैं, उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। मगर इस मुल्क के काफी अरसा सियासतदान भी हुकूमतों में रहे हैं और सियासतदानों के बगैर भी हुकूमतें चलती रही हैं, तो मैं फीलिंग के हवाले से उनके साथ हूँ, उनकी हमदर्दी के हवाले से साथ हूँ, मगर अकाउंटेबिलिटी अवाम करते हैं थ्रू इलेक्शन करते हैं, थ्रू वोट के करते हैं, और मैच्योर हुई है ये सारी, डेवलप हुई है जो सेंस है अवाम का, वो डेवलप जरूर हुआ है, उसमें वो अपना कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। बाकी ये नहीं हो सकता कि एक बम उठाएं, सब सियासतदानों को इकट्ठा करके अगर उसमें मार दें, तो वो सियासतदान का मतलब उनका ये कंट्रीब्यूशन है, उनका ये है, उनका कहने का मकसद ये है कि मेजॉरिटी सियासतदानों से वो तंग है, उनके जो सारा दिन वो टीवी पे या सुनती रहती है, मगर सियासतदानों की मेजॉरिटी, मेजॉरिटी की बात करिए वो। अच्छा जी रजा साहब आप कुछ कह रहे थे, मैं फिर जाऊँ जरा डॉक्टर साहब। देखिए हमें ना ऐसी जो कौम की माए है ना, उनकी बातों को उनको मेटाफोरिकल सेंस में लेना चाहिए। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा, वो ये बेचारी कोई दहशत गर्द तो नहीं जो कह रही है जिसका बेटा, नहीं जी बड़ा कोई खाला जी का घर थोड़ी होता है कि अपना हस्बैंड सारा दिन सारी जिंदगी आर्मी में रखे, उसके भी वो भी चले जाए, हस्बैंड भी बेटा भी जनाब ईद से बरात पे ना आ सके, तो कोई खाला जी का घर तो नहीं कि जनाब आराम ना बह के तुसी कर लो, कहना आसान है करना मुश्किल होता है। दूसरी बात ये है सर, अगर ये पोलिटिकल लोगों की डिलीवरी होती तो किसी की जरूरत थी वो गाली देता। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रजा साहब, भी बड़ी अच्छी बात की आपने कि अगर जो फ्लॉज हैं, जो पॉलिटिशियन जो है मेजॉरिटी पॉलिटिशियन, सबकी बात नहीं कर रहा, मेजॉरिटी पॉलिटिशियन जो डिलीवर नहीं कर पा रहे, वो भी एक एक बहुत बड़ा फैक्टर है जी, कि अगर वो डिलीवर कर सकते होते पॉलिटिशियन, मेजॉरिटी ऑफ देम, सबकी बात नहीं कर रहा मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो ये इस किस्म की सिचुएशन ना होती, इस किस्म की फीलिंग्स ना होती जैसे कि आमना बीबी की थी। मैं फिरदौस आशिक वान साहबा, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगी? जी मैं यकीन उसी मुआशरे में हम रहते हैं जहाँ ये सारी डिस्कशन डिबेट और ग्रास रूट लेवल पे आम पाकिस्तानी की सोच है। तो देखिए हमें देखना होगा एज अ पॉलिटिशियन, इस वक्त आम बंदा, आम पाकिस्तानी कॉमन मैन पॉलिटिशियन के हवाले से इतना जहर लू, उसका माइंड सेट जो है वो क्यों डिस्ट हुआ, और उसका आंसर इज वेरी क्लियर एंड सिंपल के जो इमेज परसेप्शन थी हमारी जिस तरह से डैमेज हुई और उसमें हमने खुद ग्रास में अपने आप को तबाह बर्बाद करने में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, क्योंकि हमने जब सियासी जमात और मुल्क को चलाने के लिए एक ही वो जो हमारा पॉलिटिकल क्लाउड था उसको हम आगे लेके चले। वैसे रजा हिराज साहब जो बात कह रहे हैं आप उससे पार्शली एग्री कर रही हैं, यही बात है ना? मैं ये कह रही हूँ कि किसी भी जमात के अंदर उसका वर्कर जो होता है वो एक जमाते का झूमर होता है, लेकिन उस वर्कर को आप पार्टी चलाने के लिए तो उसकी शक्ति को रेकग्नाइज करें, लेकिन जब आप हुकूमतों में आते हैं तो वो वर्कर जब आप
नहीं ये वर्कर की बात नहीं कर रहे, वो कुछ और बात करी थी बीबी। खैर एनीवेज रजा हिराज साहब का पॉइंट जो है वो लोग यही बात कर रहे हैं कि आप जब प्लेसमेंट ऑफ पर्सन करते हैं और जब आप मैरिज का कत्ल करके सिर्फ ये क्राइटेरिया रखते हैं कि भी कौन मेरे साथ जेल में टाइम गुजारा, जिसने इतने साल कौन मेरे मेरी पेशियों पे आता रहा, वो आपकी परफॉर्मेंस क्रेडिबिलिटी और आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस का प्रायोरिटी नहीं होता, फिर आप डिलीवर नहीं करते, पूर परफॉर्मेंस होती है, बैड गवर्नेंस। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, एग्जाम जो है आपकी बिल्कुल ठीक है, जी जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, आई गॉट योर पॉइंट जी, आई विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट जी। नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अगर नहीं आते जी, और जिस तरह उनके जो प्लान्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा मुल्क की सियासत में? क्या छः महीने से जो अदालतें हैं जो जिनको डेडलाइन दी गई है, वो डेडलाइन है उनके पास प्रोबेबली मार्च की, मार्च 10 तारीख है शायद, उसके अंदर पहले उन्होंने फैसले करने हैं। डोंट यू थिंक के फैसले जो है इंस्टेड के मार्च 10 तक किए जाए, 4 महीने 3 महीने पहले कर दिए जाए तो वो बेहतर होगा, क्योंकि पॉलिटिशियंस जो हैं या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का आपके लॉयर जो हैं वो तो खेल रहे हैं लॉ के अंदर जो फ्लॉज हैं या जो उनको एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, तो वो आप डोंट यू थिंक के फैसले पहले आ जाने चाहिए, क्यों जी आप क्या कहते हैं? देखें जी, मेरे ख्याल में वो डिले टैक्टिक्स के तौर पर काम कर रहे हैं, और जो फोकस है वो यही है कि मार्च का जो इलेक्शन सेनेट का जो आ रहा है उसको वो फोकस है मुस्लिम लीग नून के पास, बाकी ये हेयरिंग आना ना आना फर्द जुर्म ये सारा एक फ्रेमवर्क बना हुआ है और उसको सामने रखते हुए बाकी सारी पॉलिसीज बन रही हैं कि किस तरह चीज़ों को डिले टैक्टिक्स के तौर पर वो लिया जाए। मगर मेरा नहीं ख्याल, इदारों को अपने हिसाब से जो टाइम फ्रेम है उसमें फैसले कर देने चाहिए, और हम इस बात के हामी भी हैं। मतलब आप ये इस चीज़ पे मुत्तफिक हैं जनाब के 6 महीने से बजाय आप 3 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर अंदर फैसले अदालतें कर दें? आर यू फॉर इट? बिल्कुल। ओके रजा इराज साहब, आप क्या कहते हैं कि अदालत बजाय इसके कि 6 महीने तक इंतजार करें, 4 महीने में अगर फैसला दे दे तो डू यू थिंक इट्स वर्केबल, ऐसा हो जाना चाहिए, या आपकी क्या राय है? मैं लॉ का स्टूडेंट भी हूँ। अच्छा जी, तो मैं ऐसी बात नहीं करूंगा, तो मैं तो इस बात को ये देखूंगा जी, जो केसेस हो रहे हैं ये GIT तश्कील की गई थी गवर्नमेंट ऑफ द टाइम्स की डिजायर्स पे जी, और मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको ब्रीदर दिया था ये GIT बना के जी। उसमें जो एविडेंसेस थे वो बहुत सारे एविडेंसेस तो ऐसे थे जो के सामने कोर्ट्स में एड्यूस कर दिए गए थे जी। अब चूंकि उनका ट्रायल हो रहा है तो मेरे ख्याल में ये ट्रायल जो है वो ट्रायल कोर्ट पे छोड़ना चाहिए कि वो जहां कंफर्टेबल हो, जहां जज साहब इसको मुनासिब समझे, वो उस वक्त उसके मुताबिक वो फैसले करें। अच्छा ठीक है, ये नहीं जरूरी कि मैं कहूं कि जल्दी फैसला होना चाहिए या कोई कहे ताखीर से फैसला होना चाहिए, लेट द लॉ टेक इट्स ओन ड्यू कोर्स। ओके ठीक है, सो ये डेडलाइन के बारे में आप कहते हैं कि डेडलाइन से आप मुत्तफिक नहीं है, जिस वक्त अदालत समझे फैसला देना है उस वक्त दे देना चाहिए, ऐसा ही है ना जी राणा साहब? और दूसरी बात है कि बेतहाशा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से कि ऐसी जो डायरेक्शंस होती हैं ये डायरेक्टरी नेचर होती है, मैंडेटरी नहीं होती। ओके ठीक है, तो एक स्टूडेंट ऑफ लॉ होने के नाते मेरा ख्याल में कि हमें इसको इसकी एसेंस देखना चाहिए, बल्कि इसमें स्पिरिट देखनी चाहिए, इसका मकसद क्या है अदालत का। अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। डॉक्टर साहब आज जल्दी से इस पे कोई राय देंगे, क्योंकि वाजिद साहब है दुबई से होल्ड करके बैठे हुए, कॉलर हैं। लेकिन इसमें डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने का टाइम का तयन किया, तो जिस रफ्तार से केस आगे बढ़ रहा है उसमें पनिशमेंट इन एब्सेंशिया जो है उसकी तरफ लाद जा रहे हैं, अगर ये नहीं आते और वो ट्रायल कोर्ट का प्रोसेस है उसका सामना नहीं करते तो अदालतों ने तो फैसले देने हैं। ठीक है, सो आप ये कह रही है कि ये अदालतों में आए या ना आए फैसले अदालतों को दे देने चाहिए। वाजिद साहब की कॉल ले लूं दुबई से। जी वाजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, जी मैंने थोड़ा करप्शन पे बात करनी थी और साथ साथ जो अपने टॉपिक छेड़ा नवाज शरीफ का, जी जी बोले, भी थोड़ा बात करनी थी मैंने।
जी बोलिए बोलिए। जी जी बात तो ये है सर जी कि अभी जैसे अभी आमना बाजी ने आपसे कॉल पे बात की है कि सुबह से लेके शाम तक इन सियासतदानों के चेहरे देखने और ये जो सुबह से शाम तक करप्शन के जो अलामत सुन रहे हैं हम, ये तो एक पाकिस्तान के अंदर की बात है। अब हम प्रदेश में बैठे हुए हैं, हमारे साथ इंडियन है, श्रीलंकन है, बांग्लादेशी है, नेपाली है, मैं खाली एशिया की बात करता हूँ। तो जब वो हमसे इस चीज पे बात पूछते हैं कि आपके सियासतदान है, तो आप तो उनको जवाब दे देना वाजिद साहब, ठीक है, आपको इतना भी आप शर्म मत खाएं, लेकिन द पॉइंट इज कि आप वो जो इंडियंस आपसे पूछते हैं या कोई और साउथ एशियन और लोग पूछते हैं, तो उनको भी पूछ लें कि उनके उनके अपने घरों में इंडिया में क्या हो रहा है, वहाँ पे सियासतदान कितना करप्ट है, वो भी उनको भी बता दिया करें, जवाब दिया करें। आप शर्माने की जरूरत नहीं है, जवाब देते हैं, ये बात नहीं है, जवाब देते हैं। तो अभी अभी अपना अच्छा, मेरे ख्याल में दो दर्जन से ज्यादा आजादी की तहरीकें इंडिया के अंदर चल रही हैं, लेकिन उसका मीडिया जो है इंडिया का उसका जिक्र नहीं करता। आप ये जवाब दीजिए उन्हें, आप ये जवाब दीजिए उन्हें कि उनके अंदर इंडिया के अंदर जो सियासतदान है वो इतना करप्ट है कि जनाब वो आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन इंडियन मीडिया जो है उस पर जनाब बिल्कुल दूसरी तरफ देखना शुरू कर देता है। सो ये जवाब दीजिए आप उनको, तो उनके अंदर तो अपना खुद प्रॉब्लम्स हैं, उनके जनाब वहां पे कितना फौजी जो है, इंडियन फौजी जो है वो वहां से भागने के लिए तैयार है। आपने सोशल मीडिया में 10 तस्वीरें देखी होंगी, क्लिप्स देखे होंगे। सो वो आप उनको ये जवाब दीजिए, सो कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, हमारे प्रॉब्लम्स हैं जरूर हैं, लेकिन इतने भी नहीं है कि हम उधर जवाब ना दे सके। सो वाजिद साहब जवाब दिया करें। एक और भी कॉलर है जी, कॉलर है हमारे पास, कौन कॉलर है जी? अच्छा अभी बात करते हैं, मैं जरा रजा साहब से बात करूँ। रजा साहब ये थोड़ा सा प्रिसेप्शन क्लियर करने की ज़रूरत है। ठीक है, वी हैव प्रॉब्लम्स इन आर कंट्री, वी हैव प्रॉब्लम्स इन द पॉलिटिकल पार्टीज एंड वी हैव इश्यूज, बट जो इंडिया के प्रॉब्लम्स हैं इंडियन मीडिया जो है उसको हाईलाइट नहीं करता, क्यों रजा साहब? हेलो रजा साहब, आर यू लिसनिंग टू मी? जी सर, आई हर्ड यू। मुझे आती बात समझ है कि इंडियन मीडिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, पार्टिसिपेट नहीं, हाईलाइट नहीं करता। इंडियन मीडिया अपने अंदर जो आजादी की तहरीकें चल रही हैं इंडिया के अंदर, उनको हाईलाइट नहीं करता। इंडियन मीडिया जो पॉलिटिशियंस के पॉलिटिकल पार्टीज में या पॉलिटिशियंस जो करप्शन करते हैं उसको एज सच हाईलाइट नहीं करता। देखिए देखिए, हर पाकिस्तान का जो एंकर है वो इतना रीजनेबली, वो भी माजत के साथ, अब मायना कीजिएगा कि माजी में जो कुछ नहीं करते थे वो जर्नलिज्म में चले गए, और कुछ लोग ऐसे भी थे सर कि जिन लोगों ने जो वाकई प्रोफेशनल जर्नलिस्ट थे और उन्होंने अपनी इज्जत कमाई, फिर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इस जर्नलिज्म को भी जिन्होंने बदनाम किया। ये चीजें दुनिया भर में रहती है। पाकिस्तान के अंदर खुशकिस्मती है या बदकिस्मती है कि यहाँ पे मीडिया एक वाइब्रेंट भी है, एक्सुबरेंट भी है, लोगों के पास एक मींस मिल गया इंफॉर्मेशन का। इंडिया के अंदर ये कंट्रोल्ड है, वो अपना प्राइड तो लेते हैं कि वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, लेकिन अगर हकीकत जितनी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है इतनी रहना पूरी दुनिया के अंदर कहीं नहीं होगी। मैं इनकी बात सुन रहा था उस बंदे की। देखिए राणा साहब, मैं आपको फिर बार बात कहूंगा, अगर हमारे मुल्क के अंदर ये जहालत ना होती, अगर ये लोग आज जाहिल हैं और हमें बुरा भला कह रहे हैं, इनकी जहालत का कॉजेशन भी तो सियासी बंदों ने क्रिएट किया ना जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा आपको, डॉक्टर मसूद साहब है मेरे साथ कॉल पे होल्ड करके बैठे हुए। जी डॉक्टर साहब। जी सलाम अलैकुम। जी वाईकुम सलाम। अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। राणा मुबशर साहब बोल रहे हैं? जी राणा साहब, बात ये है कि अभी बीच में ये दूसरा भी मेरे को कॉलर चल रहा है, उनकी मुझे आवाज आ रही है, तो मैं अभी अगर बात करता हूँ तो नहीं। आप टीवी बंद करें जी, आपको टीवी की आवाज आ रही है? नहीं, टीवी की आवाज तो आ रही है डॉक्टर साहब। आप सब